आपकी जो स्किन है वो इतनी ग्लो करती है, इतनी नीट एंड क्लीन है, मतलब इतनी लड़कियों की भी नहीं होती जितनी आपकी है। कि इसका राज नेचुरली भी ब्यूटी होती है, कुछ अपनी भी इंसान की जो ना, खुद भी इंसान प्यारा होता है। अच्छा, कभी कुछ नहीं यूज किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर यू श्योर? यस श्योर। अच्छा, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपके जो लोग जिस पे बहुत फैन है आपके बालों पे, आपने बाल छुपाए हुए हैं, अगर आप तो खोल देंगे तो हमारे लोगों के लिए बड़ा एक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप उन बालों की वजह से बहुत आप यू नो जाने जाते हैं, क्योंकि जिससे भी आपके बारे में पूछो ये कहते हैं वो बालों वाले जिनके बाल। पर्सनली मुझे लगता है कि बालों के बगैर मैं ज़्यादा प्यारा लगता। नहीं, वो तो आप हैं ही, अभी हम देख ही रहे हैं आप। मेरी थोड़ी जेलसी भी हो रही थी अभी, मैं उनको कह रहा था कि ये ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं आप, लेकिन करें तो सही, आप उतारें कैप उतारें। चीज़ें तो वो छुपाते हैं ना जो छुपाने वाली है, छुपाने वाली थोड़ी चीज़ें हैं। हर हिसाब से मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि टिकटॉक तो एक चलती है, आप बताएं कि आपकी बैकग्राउंड क्या है। लोगों को थोड़ा होता है कि यार अच्छा टिकटॉकर है, इसने टिकटॉक ऐसे स्टार्ट की, वो एक अलग चीज़ है। आप बताएं कि आपने लाइक मैट्रिक में क्या किया था, इंटर में क्या किया, कितनी सप्लियाँ आई कुछ? मेरी कोई सप्ली नहीं आई, मैं बड़ा लाइक स्टूडेंट था, मैट्रिक में भी मेरे 90% से ऊपर मार्क्स थे, और उसके बाद एफएससी में थोड़ा सा डाउन हुआ, और अब मैं जो है वो यूएमटी से बीबीए कर रहा हूँ। हाँ, बिजनेस फील्ड है मेरी। आपने एफएससी की मेडिकल किया है? इंजीनियरिंग? प्री इंजीनियरिंग की। प्री इंजीनियरिंग? प्री इंजीनियरिंग की थी, लेकिन बाद में मेरा शौक बिजनेस की तरफ चला गया, तो फिर मैंने बीपीए कर लिया। वरना पहले मेरा शौक जो था वो इंजीनियरिंग की तरफ था, लेकिन फिर मैंने। और मैंने एक और चीज़ आपके बारे में सुनी है कि आपके, बल्कि मैंने फ़ोन में चोरी छुपके देखी थी कि आप क्रिकेटर भी हैं। हाँ, मैं क्रिकेटर हूँ। ये एक बड़ा लोगों के लिए एक छुपा रुस्तम, एक नई चीज़ निकली है कि हारिस अली जो है क्रिकेटर भी हैं। जी, मैंने सीनियर डिस्ट्रिक्ट भी खेली हुई है, ठीक है, और अंडर 16 में मैं खेलता रहा हूँ, और काफ़ी क्लब्स की तरफ से मैंने खेली हुई है, क्रिकेट खेली हुई है। तो उसको क्यों नहीं कंटिन्यू किया आपने? बस फिर मेरा शौक ख़त्म हो गया। मैं जो है ना अपनी लाइफ में हर चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ, मेरा हर चीज़ को मतलब मैं ट्राई कर सकूँ एक दफ़ा, तो इसलिए मैं टिकटॉक पे भी इसीलिए तकरीबन आया कि मतलब मेरा ये शौक बन जाता है, फिर मैं एक चीज़ को हर चीज़ में मेहनत करता हूँ। क्रिकेट मैंने बहुत मेहनत की, जैसे मैं टिकटॉक पे मेहनत कर रहा होता हूँ, इस तरह क्रिकेट में भी मतलब कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाता था, ग्राउंड में चला जाता और शाम को 6 बजे वापस आना मैंने, ठीक है। तो शौक जो मैं अभी जो भी रखता हूँ मैं उसको उसके अरूज पर जाता हूँ, उसको मतलब एक दफ़ा ख़त्म करके वापस आता हूँ। सही है, ये इस चीज़ से मैं एग्री करूँगा कि ये सिर्फ मैच के लिए नहीं सुबह उठते, ये बंदा ना ये हमारे साथ वीडियोस बनाता है, हमें पता है ये सुबह 7 या 8 बजे की कॉल्स आ जाती हैं, चलो वीडियोस बनाने चलो, चलो वीडियो, ये वहीं से आदत आपकी पड़ी हुई है। और इसके साथ मिनाहिल, आपका भी थोड़ा इससे सिमिलर है कि आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हैं। मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आप कितनी मतलब कब उठती हैं, पहले तो ये बताएं आप। नहीं, लोग तो बड़ा बोल रहे होते हैं टिकटॉक पे मेकअप की दुकान, पता नहीं कितना टाइम लगता है। टाइम तो लगता है, अगर अच्छा मेकअप करना टाइम तो लगता ही है, लेकिन मेकअप तो लड़कियों का। अच्छे मेकअप से आपका क्या मुराद है, मतलब अच्छा मेकअप मतलब कि अगर थोड़ा ज़्यादा मेकअप करना, वरना तो उतना टाइम नहीं लगता। अच्छा मेकअप होता है थोड़ा ज़्यादा मेकअप करना, ये नहीं हम मेकअप के बगैर ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। इसका जो कलर है ना, मतलब लोग कहेंगे कि मतलब ये वो जो काली इस तरह चीजें लोग कहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल में इसका अगर ये गोरी होती, वैसे ठीक है उसका कलर, लेकिन गोरी होती तो इतनी अट्रैक्टिव ना लगती। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मेरी कफिंग्स आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा था। वैसे आपको ये बात इतनी क्यों पता है? ये बात ही क्योंकि मैं जजमेंट मेरी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं समझता हूँ मेरी जजमेंट बहुत अच्छी है। पास से जज की नहीं, मतलब ऐसे दूर से पता चल जाता है। अच्छा नहीं, एक मतलब कैमरा लुक होती है ना, कैमरे में वो किस तरह दिख रहा है, हमने ज्यादातर तौर पे ये देखना होता है कि कैमरे में बंदा किस तरह दिख रहा है। अब कैमरे में मतलब बंदा ब्राइट कलर्स पहनेगा तो ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसी अलग ब्राइट कलर्स पहनेगा तो अच्छा लगेगा, रियल में लोगों को जैसा मर्जी वो लग रहा हो, लेकिन कैमरे में अट्रैक्टिव लगने के लिए इस तरह की चीजें करनी पड़ती है। अच्छा, एलेक्स के बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब यही आप क्या नोट किया आपने एलेक्स के बारे में? एलेक्स के बारे में, एलेक्स बहुत खूबसूरत इंसान है, ठीक है, और जैसे एलेक्स अगर वीडियोस में अगर कुछ उसकी जैसे भी वो लोग उसको नापसंद करते हैं, पसंद भी बहुत करते होंगे, ये नहीं कि नापसंद करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो वीडियोज़ होती है वो रियलिटी नहीं होती, ठीक है, तो वो एक ड्रामा होता है, ठीक है, जैसे ड्रामा और फिल्म होती है ना, वो एक फिल्म होती है, ड्रामा तो रियलिटी नहीं होती, रियलिटी में इंसान कुछ और भी हो सकता है।
मुझे ना पर्सनली अच्छा नहीं लगता ज़्यादा पब्लिक या किसी से बात करना, मैं बहुत अपने में रहने वाला इंसान हूँ। अपने में रहने वाला इंसान। आपकी बैकग्राउंड क्या है वैसे, मतलब स्टडी वाइज? स्टडी मैंने पंजाब कॉलेज से जो है मैंने सेकेंडरी कंप्लीट किया था, और टिकटॉक तो मेरा कोई शौक नहीं था इस तरह का, लाइक वीडियो बनाने का, वो बस वैसे हमने एज अ फन जो है वो वीडियो बनाई थी, एक कम जिंदगानी, वो जिसपे मेरे बाल ओपन थे और वो पंजाब कॉलेज का मेरा यूनिफॉर्म था, यस यस वे वाली। तो वो मैंने, क्योंकि मेरे लाइक्स नहीं आते थे, तो वो बस वैसे मेरे दोस्त ने कहा कि लाइक तो आते नहीं, कि तुम वैसे ही लगा दो तो कोई बात नहीं, सो के तो वो लगाई है। तो मैंने अभी घंटे बाद देखा है कि वो कहाँ से कहाँ, और मेरे जो है फॉलोअर्स भी उस पर बढ़ गए, और ये तो वो उस वीडियो पे बातें भी बहुत आई, पर उसी वीडियो से मैं आज इधर हूँ। लेकिन मैंने ये सुना है मतलब कि जो पंजाब कॉलेज है बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उसके बाद आपने उनके यूनिफॉर्म में बनाए, तो उसके बाद मैंने वो ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने तो छोड़ दिया। हाँ टिकटॉक की वजह से? नहीं नहीं, टिकटॉक की वजह से नहीं, मैंने वैसे भी जो है मैंने सेकेंड ईयर कम्प्लीट हो गया तो मैंने छोड़ना ही था, तो मैंने बस छोड़ दिया था। छोड़ दिया। कब, कहाँ से आपको शौक कैसे पड़ा टिकटॉक, कोई 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 ऐसी वीडियो जहाँ फर्स्ट टाइम जो देखी हो? नहीं, बस इस वीडियो के बाद ना मुझे थोड़ा सा चस्का पड़ गया कि भाई अब मज़ा आ रहा है, वो जब लोगों को बाहर निकलना, लोगों ने पहचानना, तो वो फोर्स अच्छा लगता है आपको, तो बस उस वजह से मैंने कहा चलो लाइक आना शुरू हो तो गए हैं, तो क्यों ना आप बनाता रहूँ, तो बस फिर बनाने शुरू कर दिए। और मिनाहिल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपके लिहाज से लोग तो, मतलब आपने और भी इंटरव्यूज दिए होंगे, क्या यार हर वक्त एक ही चीज़ पूछते रहना, हर चीज़ लोग पहचान ही गए होंगे, आपको सब पता होगा, लेकिन एक चीज़ आप बताओ, अकॉर्डिंग टू मिनाहिल मलिक टिकटॉक की क्वीन कौन है? टिकटॉक की क्वीन? अब मैं बाकी को तो कहने से रही, मैं खुद ही हूँ। अच्छा आप खुद ही हैं? एटीट्यूड, एटीट्यूड है मैडम का बिल्कुल। जी जी, ये टिकटॉक की अब जैसे देखना, फॉलोअर्स जो है ना वो डिपेंड नहीं करते, ठीक है, कि डिजिट्स में कितने हैं, डिपेंड ये करता है कि फॉर यू सेशन में किसकी शक्ल ज़्यादा आ रही है, वो तब आएगी जब आपका क्लैब ज़्यादा होगा, ठीक है। अब मिनाहिल के पास हम ज़्यादा लड़के होते हैं, मीन्स के और भी लड़के, हमारा ग्रुप बड़ा है, ठीक है, तो हम 7-8-10 लोग हैं जिन सबके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ठीक है। जब मिलियन वाले फॉलोअर्स सारे अकाउंट पे, एक शक्ल जो है ना वो 7-8-10 अकाउंटों पर जाती है, तो वो जितने भी लड़के होते हैं ना वो सारे फॉर यू में उस टाइम जा रहे होते हैं। तो बंदा एक, जैसे मिनाहिल ने 4 वीडियोज़ बनाई हैं, आपने 4 बनाई, मैंने 4 बनाई, तो टोटल हमारी जितने भी लोगों की ना 40 वीडियोज़ हो जाएंगी, तो 40 में से जो है वो 10 से 15 तो चलेंगी ना, तो 10 से 15 मीन्स के फॉर यू पे उस दिन सिर्फ हम हारे तो फॉर यू पे आप कितने हो रहे हो वो डिपेंड करता है। बिल्कुल, फॉर यू में वो तो हमें नजर आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं कि कैसे डिफेंड करने आगे आ रहे हैं हारिस बार बार। वैसे ये बात थोड़ी सी अभी छेड़ी गई है, तो लोग बड़ा पूछते हैं इस चीज़ के बारे में, मैं खुद भी थोड़ा पूछना चाहूँगा, क्या सीन है? देखिए, हम जितने भी, मैंने आपको पहले बताया कि जो रियलिटी है ना वो इंसान की पहले होती है, वीडियोस के अंदर जो दिखा रहे हैं वो रियलिटी नहीं होती, ऐसी है। तो इस तरह सारे आपस में दोस्त हैं, हम सारे मिलके काम करते हैं, तो किसी का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है, बस आपस में सारे दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं, एक को दूसरे से मतलब फ़ायदा होता है, या स्टेप बाय स्टेप मतलब उसको सबको ही फायदा होता है ना, एक दूसरे का वीडियो तो बनाएंगे तो सबको ही फायदा होता है, जितनी क्लैप करोगे आप उतना आपको फायदा होगा, तो किसी का रिलेशन नहीं होता, बस सारे अच्छे दोस्त होते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब रिलेशन नहीं होता? नहीं, मेरा कोई रिलेशन नहीं, मनाया के साथ मेरी अच्छी दोस्त है। अच्छी दोस्त है? किस हद तक अच्छी दोस्त? किस हद तक अच्छी दोस्त है कि अपनी फैमिली को छोड़ के बाकी चीज़ें डिस्कस कर सकती है। और मिनाहिल, आप क्या कहोगी, हारिस दोस्त या? हारिस बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त है? आप हंस क्यों रही हैं, पहले ये बताएं, आपके फेस पे एक शैतानी है। मेरी शैतानी तो नहीं है, हारिस दोस्त है, बताया तो है, पक्की बात है। आप दोनों हंसी जा रहे हो यार, फिर आप लोगों को शक में डाली जा रहे हो, फिर वो लोग इसीलिए कमेंट करते हैं, मतलब ये इन दोनों के अकॉर्डिंग ये कहना है कि ये दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यू नो आप रीड कर सकते हैं, शर्मा रहा है लड़का। हारिस, और आप बताओ कि टिकटॉक पे ऐसा आपको कौन सा लगता है कि यार ये टिकटॉक का किंग है पाकिस्तान में? उन्होंने तो कह दिया सीधा सीधा मैं हूँ क्वीन, किंग भी मैं बात तो फिर वहीं घूम के आ गए, अगर आप किंग है तो क्वीन। मतलब मैं ये कहूँगा कि हर जगह जो अच्छे बुरे लोग होते हैं, मतलब मेजोरिटी समझिए तो टिकटॉक पे, मतलब मैं ये कहूँगा कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि एक्सेस बहुत ईजी है लोगों को, हर कोई बंदा वीडियोज पे बना लेता है, ठीक है, और लाइक्स के लिए मैं कहता हूँ यहाँ पे कुछ भी लोग कर लेते हैं लाइक्स के, ठीक है, लेकिन अच्छे लोग भी बहुत हैं, अच्छे लोग बुरे लोग हर जगह होते हैं, अच्छे लोग भी बहुत हैं, अब ये कह सकते हैं कि 10% अच्छे हैं कि 90% बुरे हैं, ठीक है, इस तरह कहा जा सकता है,
तो वीडियोस काफ़ी अच्छी बनाते हैं, जुल्कर नैन बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, ठीक है। हर मुख्तलिफ कैटेगरी होती है हर बंदे की, जैसे रोमैसा होगी वो एक्सप्रेशन अच्छी देती है कॉमेडी के, ठीक है, जुल्कर नैन भी कॉमेडी के एक्सप्रेशन अच्छे देता है, तो इस तरह नाहिल है कॉमेडी की अच्छी नहीं देती, लेकिन बाकी रोमांटिक हो गया थोड़े से रोने वाले एक्सप्रेशन है तो वो ज़्यादा अच्छी देती है, हर बंदे की अपनी कैटेगरी है। अब मेरे बारे में क्या ख्याल है आप फिर बता दो